हाँ बोलिए। अब हाय, वो मेंबरशिप के बारे में कुछ पूछना था। एडवांस 5,000 रुपए देने होंगे। उसके अगले महीने से हर महीने आपको 3,000 रुपए देने होंगे। इस समय हमारा ऑफर चल रहा है। जिस आदमी की हमें तलाश है और जिसके हाथों में टैटू है, वो इसी जिम में है। अभी आया। ओके, कम फास्ट। एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक यू। मैडम, ये क्या कर दिया? सॉरी। वापिस रख दीजिए इसे। हेलो, कोई लड़की है जो अपन का पीछा कर रही है। छोकरे लोगों को लेकर फैक्ट्री पहुंच। लड़की तुमको भाव दे रही है और तुम हम लोग को यहाँ पे बुला के कबाब में हड्डी बना रहे हो? एक्सक्यूज मी। क्या भाई, आज तो तुम्हारा जलसा है भाई। मुझे एक कॉल करना है। बॉयफ्रेंड को कॉल करना है? तुझे लगता है फोन करते ही तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आकर हमारी धुलाई करेगा और तुझे बचा लेगा? तेरा बॉयफ्रेंड क्या हीरो है? सिर्फ एक कॉल करने दो ना प्लीज। ओके, सिर्फ एक कॉल, लेकिन एक कंडीशन पे। तेरे हीरो की एंट्री के लिए अपन सिर्फ 2 मिनट का टाइम देगा। अगर वो इन 2 मिनटों में नहीं आया तो अपन जो बोलेगा तुझे वही करना पड़ेगा। यस। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहेला क्या? आई थिंक ही इज बिजी। ये सब तुम अपन को मत सुना। अपन ने जो टाइम दिया था वो पूरा हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 कौन है बेटू? यही तो है मेरा हीरो। दो मिनट बात कर सकता हूं तुमसे? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर के इलाके में आ ही जाता है। शटर बंद करो रे, टपकाते हैं इसको। ऐसा मत करना वरना तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों बे, तू मारेगा? नॉर्मली मैं किसी को मारता नहीं और अगर मारता हूं तो वो नॉर्मल रहता नहीं। अब 2 मिनट बात कर सकता हूं।
उन लोगों को नहीं जानता है। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। अब उनकी बात सुन, चला जाए यहाँ से। कौन? अगर उन लोगों को पता चला तो अब उनके साथ साथ तेरे को भी खत्म कर देंगे। अब उनकी बात मान, चला जाए यहाँ से। चला जा। कौन? अरे यार, ये अपुन की बात समझता काय को नहीं? कौन? वो अपुन के परिवार को मार देंगे, तू समझता भाई? कौन? ए, तू अपुन की बात समझता काय को नहीं है? वो अपुन के परिवार को मार देंगे। वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। Yes, Captain Ram. एक नंबर नोट करो। Tell me, sir. मुझे complete call details चाहिए। Yes, sir. मैं आपको बताता हूँ। डिटेल मिलते ही मुझे मेल करना। Okay, sir. Yes, Captain Ram. Manveer. Sir. मुझे numbers की exact location चाहिए। Number 100% private होगा, इसलिए continuous call करते रहना। Owner phone जरूर receive करेगा। उसकी आवाज record करके match करो। Give me the voice match। और पता लगाओ कि किसकी आवाज है। Okay, sir. Yes, Ranveer. मैंने पता लगा लिया है सर। अभी वो latitude 13.0441 degree north, sir. Okay. और voice match? And the voice match is also found, sir. कौन है? हाँ, ओके, काम तो हो जाएगा ना? हाँ, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ये हैं स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर, इतने काबिल कि हेल्थ की स्पेलिंग तक ठीक से नहीं बोल सकते। चौथी पास जो है, पहले ड्रग्स का धंधा करते थे, उसके बाद मेडिकल माफिया के सरगना बनके दवाइयों का अवैध कारोबार करने लगे। यूं समझ लीजिए कि पॉलिटिशियन बनने से पहले फुल टाइम गुंडे थे। तुझे मैंने बैठने के लिए बोला क्या? सॉरी सर। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठ जा। शनि का प्रकोप पिछले 9 सालों से। कपड़ा काला है लेकिन दिल एकदम सफेद। ओम नमः शिवाय। अरे बोलना सर, बात यह है कि वो इसके कई सारे हॉस्पिटल्स हैं बाप के मरने के बाद। प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा है, यहाँ पर सेटलमेंट करने आया है। भाई, इसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। मेरा हिस्सा कितना होगा? क्या? अबे सुना नहीं मैंने हिस्सा कहा? 50 करोड़ मेरी तरफ से, ऊपर से और 10 करोड़ ले लीजिए। मेरा काम तो हो जाएगा ना सर? थैंक यू सर, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। नमः शिवाय। मेरा भाई यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ बैठकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो तुम? तू यहाँ किस लिए आया? तुम बताओ यहाँ क्या चल रहा है? तू बता किस लिए आया? ये मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है। खड़ा किया मैंने, तूने नहीं। प्रॉपर्टी का 50% मेरा। शांत हो जाओ तुम लोग। मेरा पैसा एक बराबर है। मैंने बिजनेस खड़ा किया। बाहर निकालोगे? झगड़े से मसला हल नहीं होता, आपस में बात कर लो। कॉफी लोगे? ले आओ, जरा कॉफी लेके आना। ये क्या, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 900 करोड़ अपनी बेटी के नाम कर लिए? तुम्हें आतिशबाज अंजनप्पा के पास आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अगर शनि का प्रकोप पड़े तो सर्वनाश हो जाता है। सब खत्म हो गया। ऐसा अन्याय हमारे साथ मत कीजिए सर। मेरी बात सुनिए सर, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। प्लीज सर, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये गलत है सर। देखिए सर, मैं आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आया था। आपके ऐसा करने से हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे सर। प्लीज सर,
अगर साइन करेगा तो घर जाएगा वरना ओम नमः शिवाय। गलती से भी ये मत सोचना कि तू बच गया, चाहता तो अभी तुझे मौत के घाट उतार देता। कौन है तू? आइए सत्यमूर्ति का भाई, तूने मेरे भाई को मारा, तुझे मार के उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? क्या सबूत है तेरे पास? बोल। मेरे भाई की मौत के एक मिनट बाद तुझे उसी नंबर से कॉल आया था जिस नंबर से मेरे भाई को आया था। जिसने भी तुझे कॉल किया उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे फोन में है। मैंने तुझे प्रूफ देने के लिए फोन नहीं किया, ये बताने के लिए किया कि तेरी लाइफ में मेरी एंट्री हो चुकी है। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। Yeah.